हमारे देश में कला और कलाकारों की कोई कमी नहीं है। इसका प्रमाण हमारे राष्ट्र के कलाकारों द्वारा पूरी दुनिया में दिया जाता है और यही कारण है कि हमारे राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति को आज विदेशों में भी बैठे लोगों द्वारा अपनाया जाता है। पर इस बदलते दौर में हमारे राष्ट्र के युवा ही अपनी संस्कृति को अपनाने से परहेज करते दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसा भी हरगिज़ नहीं कहेंगे कि इस कड़ी में सभी युवा शुमार हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो राष्ट्र की संस्कृति को संजोए रखने में प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में एक लघु फिल्म आपको जल्द देखने को मिलेगी। फिल्म का नाम है मन परिंदा। फिल्म आज के माहौल को देखते हुए स्त्रीवाद के नकारात्मक परिणामों पर आधारित है। फिल्म की कहानी रोचक होने के साथ ही एक स्त्री के जीवन को भी दर्शाती है। फिल्म में एक मोड़ ये भी दिखाया गया है कि एक स्त्री आत्मनिर्भर होने के बाद भी एक वक्त में खुद को अकेला क्यों महसूस करती है। उसका अकेला होना इस बात की व्याख्या करता है कि जीवन में एक सहारा होना जरूरी है, चाहे वह अटूट बंधन विवाह का ही क्यों ना हो। पश्चिमी सभ्यता का असर हमारी युवा पीढ़ी पर आज इस कदर पड़ चुका है कि नई पीढ़ी आज विवाह को एक प्रतिबंध समझने लगी है, पर ये बंधन जीवन का अभिन्न अंग है। फिल्म में मुख्य पात्र में नजर आने वाली प्रेरणा राजवर्धन आशिमा एक जानी मानी मॉडल है, तो वहीं दूसरे मुख्य किरदार में आपको प्रवीण भारत विक भी नजर आने वाले हैं। टीवी में आने वाले सबके चहीते कार्यक्रम जय जय बजरंग बली, CID, सावधान इंडिया में बाखूबी निभाए गए भारत विक के किरदारों को दर्शकों ने पहले ही खूब पसंद किया है। फिल्म में और भी कलाकार हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण किरदार से फिल्म को उसके मकसद तक पहुंचाया है। फिल्म से जुड़ी और जानकारी दे तो फिल्म की लेखिका रोजी रिदा है। डीडी कश्मीर, डीडी वन में आने वाली लघु फिल्मों के माध्यम से समाज को जागरूक करने वाले प्रोड्यूसर मकसूद खान के प्रोडक्शन में फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही फिल्म के को प्रोड्यूसर जिशानुल करीम हैं। फिल्म का निर्देशक संजीव शर्मा द्वारा किया गया है। फिल्म के हर दृश्य को बड़ी संजीदा से संजोने का काम नसीम खान द्वारा किया गया है। अब बस इस लघु फिल्म को देखने का इंतजार आपको कुछ ही समय के लिए करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्पीकिंग इंडिया। खबरों में बने रहने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।